हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार, आप में से कई लोग जानते हैं कि फेक जीमेल से आईडी बन सकती है, लेकिन यार आप लोग हमेशा फेक जीमेल का उपयोग गूगल से करते हो, मतलब गूगल से जो न्यू जीमेल जनरेटर है उसका यूज करते हो। जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, मैंने सर्च किया गूगल पे फेक जीमेल, तो आपको यहाँ पर जीमेल जैसी सर्च करोगे तो यार आपका जो भी अकाउंट है आप बना तो लोगे उसको, और जैसे बनाओगे ना तो बनाने के बाद आपको देखिए लास्ट में जाके आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है, और डिसेबल हो जाने के बाद आपके वो मेहनत पूरी पानी में बेकार चली जाती है। तो यार मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन ओरिजिनल ट्रिक, और वो भी मैंने खुद ने यूज की है, तो उससे आज मैं दो अकाउंट बना के बताऊंगा आपको, तो वीडियो पर बने रहें। तो ये देखिए, मैं उसी जीमेल से जो आप बोल रहे थे ना कि फेक जीमेल से गूगल से जाके बनाते हैं, तो देखिए ये मैंने डाला, और देखिए डालने के बाद देखिए सीधे क्या होगा। देखिए कंफर्मेशन जैसी करूँगा मैं, तो देखिए योर अकाउंट हैज बिन डिसेबल। तो देखिए ये जो गूगल से जो टेम्परेली जीमेल मिल रहा था तो वो अकाउंट डिसेबल हो जा रहा था। तो इसका मैं प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन, मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, है ना यार। 101% वर्किंग ट्रिक रहेगी, और ना ही आपको कोई और ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप अनलिमिटेड फेसबुक अकाउंट बना सकते हो, वो भी विदाउट जीमेल विदाउट नंबर। तो यार इसमें दो ऐपों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए सबसे पहले इस VPN को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने स्पेन की प्रॉक्सी कनेक्ट कर लिया, आप भी कर लेना। मैं दोनों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, फेक जीमेल जनरेट करने वाला भी और ये VPN का, दोनों का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रॉक्सी कनेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर देखिए दिखा है जीमेल न्यू जनरेट न्यू जीमेल, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर यहाँ पर आइकन में ये देखिए जीमेल चेंज हो जाएगा। अब ये जीमेल आ चुका है, इस जीमेल को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको सीधे फेसबुक लाइट पे जाना है, फेसबुक पर नहीं, फेसबुक लाइट पे जाना है, और यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर न्यू आईडी का नेम डालना है आपको, कुछ भी जो भी आपको आईडी का नेम चाहिए, फैंसी भी बना सकते हो, लेकिन मेरे मानोगे तो आप फैंसी ना बनाएं। यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पर आपको देखिए साइन अप विथ ईमेल की जगह पर, अब यहाँ पर जो आपके फ़ोन में इनबिल्ट जीमेल होगा वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, तो उसको हटा देना और ये जीमेल को ऐड कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने ये देखिए कंफर्म कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेल और फीमेल आप चॉइस कर सकते हो, और अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना ये अगेन दोबारा से मांगेगा पासवर्ड, ठीक है। और देखते रहना ऊपर बार बार कि आपका VPN जो प्रॉक्सी है आपकी वो चालू है कि नहीं है। तो देखिए ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अच्छा, और देखिए साइन अप हो चुका है। अब साइन अप होने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस होगा, इस पे जब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ये देखिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। ये देखिए ये आईडी बन चुकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ओके पे क्लिक करना है, और कोई भी एक फ़ोटो गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले फ़ोटो सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक कोड आएगा। अब ये कोड कहाँ आएगा, आपको उस ऐप में आएगा जहाँ से आपने ये जीमेल उठाया था। तो चलिए उसी ऐप को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसके नीचे जाएंगे तो देखिए एक मैसेज आएगा, देखिए ये दिखाए रोमा सब, ये देखिए रजिस्टर्ड नंबर ये 42116, इस नंबर को मैं यहाँ पर डाल दूँगा, और ये देखिए ये कंफर्म हो जाएगा। ये ओके पे क्लिक किया और ये कंफर्म हो चुका है, और तो देखिए यहाँ पे वो DP शो करने की बात कर रहा है, तो आप DP चेंज कर सकते हैं कोई भी। तो ये देखिए मैं ये बंदे की DP डाल देता हूँ, मेरे फ़ोन में अभी यही पड़ी थी तो मैंने यही डाल दी। आप कोई भी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग फैंसी वगैरह आप भी कुछ भी नाम, या फिर आप यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं टर्न ऑन कर देता हूँ जिससे एक फ्रेंड बढ़ जाएगा मेरे। तो चलिए ये फ्रेंड आ चुका है मेरा, एक और इसको ऐड अ फ्रेंड कर देता हूँ, और ये देखिए ये आईडी बन चुकी है।
ये देखिए पूरा। अब यहाँ पे आप देखिए सेटअप करना है, तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप बायो वगैरह कुछ भी जो भी आपको भरना है, होम टाउन वगैरह। अब आपने प्रॉक्सी बाहर की भर दिया तो आपको यहाँ आप कहीं का भी नेम एड्रेस वगैरह सब बाहर का ही मिलेगा आपको। देखिए तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो इसको स्केप करते जा रहा हूँ, ओनली मी पे कर देता हूँ। बाद में आप जो भी आपके अकॉर्डिंग बनना है वो, तो मैं आपके लिए बस ओनली एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूँ। तो ये देखिए मैं डीपी वगैरह डाल देता हूँ, उसका प्रोफाइल पिक अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ये अपडेट कर दिया है और ये सेम एंडी के नाम से मैंने फेसबुक बना लिया। और ये देखिए प्रोसेस कन्फर्म होने वाली है, फिर थोड़ा सा वेट कीजिए। और ये देखिए व्यू आप प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका है, और ये देखिए वो आईडी बन चुकी है, ये देखिए। तो इस टाइप से आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं और जो आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं एक दूसरा अकाउंट और बना के दिखाता हूँ वहीं पे जीमेल पे। और देखिए यहाँ से फिर से आपको न्यू जनरेट न्यू जीमेल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो एक जीमेल और आ गया। ठीक है, अब इस जीमेल को कॉपी कर लेना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद। तो देखिए यहाँ से कॉपी करने के बाद इतना जीमेल को कॉपी कर लेना है और फिर से आपको फेसबुक पे आना है। तो ये अभी वही अकाउंट ओपन है, तो चलिए इसको पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने कितने सारे अकाउंट बना रखे हैं। तो देखिए चलिए अब यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, फिर से नेम डालते हैं। तो इस बार मैं लड़की का नाम डालता हूँ, तो शिवानी ठाकुर के नाम से मैं आईडी को बना लेता हूँ। चलिए तो ये डाल दिया मैंने शिवानी और ठाकुर लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे नंबर मांग रहा है, तो इसको साइन अप विद ईमेल से क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरा जो फ़ोन में ओरिजिनल था ना ईमेल, वो आ गया था, तो उसको हटा के आपको वो फेक जीमेल लगा देना है। ठीक है, जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जी 2004 मैंने कर दिया। अब यहाँ से मेल और फीमेल चॉइस कर लेना है। ठीक है, तो मैंने फीमेल कर दिया। अब यहाँ से आपको पासवर्ड चॉइस कर लेना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ले सकता है इस आईडी को, अगर कोई अगर उसको चाहिए तो। तो देखिए मैंने इसका ये शिवानी ही पासवर्ड डाल दिया। तो ये पासवर्ड ये देखिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब आईडी। तो अब मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, तो सिर्फ 786 में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको आप एंटर कर देता। तो देखिए अब पासवर्ड नहीं मांगेगा दोबारा, क्योंकि वो पासवर्ड थोड़ा सा वीक था, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो ये देखिए शिवानी ठाकुर के नाम से आईडी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कोड मांगेगा। अब कोड कहाँ मिलेगा, वहीं पे जाना है आपको दोबारा से, और नीचे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ये कोड आ चुका है। ये देखिए 20744। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूँ 20744। ठीक है, और इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा और ये देखिए टर्न ऑन हो चुका है। तो अब इसको मैं स्किप करता चलूँगा, क्योंकि आप तो देखिए ये कंफर्म होता चल रहा है। और ये देखिए ऐड अ फ्रेंड का ऑप्शन फिर से आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए वो आईडी बन चुकी है। ये देखिए शिवानी ठाकुर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके प्रोफाइल को आप अपडेट कर लेना, फ़ोटो डाल देना इसमें कोई भी। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें फ़ोटो डाल देता हूँ, इस लड़के का पिक डाल देता हूँ। और ये देखिए इसको अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इस टाइप से ये फेसबुक अकाउंट बन चुका है। अब देखिए मैं आपको दोनों अकाउंट दिखा दूँगा, जो पहले वाला था एंडी सेम एंडी के नाम से, वो भी दिखा दूँगा यहीं पर। और चलिए तो चलिए फास्ट हम लोग इसको स्किप करते चलते हैं और ये अकाउंट को क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक मेन बात और बताऊंगा, तो अभी आपको वीडियो से जाना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए इसकी व्यू प्रोफाइल पर चेक करते हैं। तो चलिए ये देखिए शिवानी ठाकुर के नाम से आईडी बन चुकी है। और ये देखिए अब मैं इसको लॉग आउट करने के लिए जाता हूँ और आपको बताऊँगा कि देखिए आपको वहाँ पर सेम एंडी की भी दिखेगी और शिवानी ठाकुर की भी मिल जाएगी। ये देखिए शिवानी ठाकुर का भी मिल गया है